सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू नैब जिंदगी। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, कुछ दिनों से लगातार सुहाने मौसम एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ मैं। जो भी हो, मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज़ के ऊपर, दिस इज़ अ नोवा हेयर ट्रिमर, इसका अनबॉक्सिंग एंड इनिशियल ओवरव्यू मैंने बनाया था, तो लिंक इज़ इन द आई बटन, वो अगर पहले देखना चाहते हो देख लो। सो नाउ इट्स बीन मोर देन ईयर दैट आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट, बट ये एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो आई डोंट लाइक दैट मच। एंड द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज उस वीडियो में इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, देर इज़ वन ऑफ दिस वीडियोज दैट वेंट वायरल एक्चुअली ऑन माई चैनल। सो आई थॉट ऑफ एंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड पुट इट इन टू अ वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट। सो दिस गोइंग टू बी अ वेरी जेन्युइन रिव्यू बिकॉज एक साल मैंने इसको लगातार यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, आज बहुत दिनों बाद ये टोपी मैंने निकाला है एंड दिस वर आई गॉट इन 2019 फ्रॉम ऊटी। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा है सो लिंक इज इन द आई बटन, गो एंड चेक इट आउट। सो दिस इज एक्चुअली द होल सेटअप ऑफ द नोवा ट्रिमर। क्या मॉडल नेम है नहीं है सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, लिंक चेकआउट करो। सो लेट्स डिवाइड द वीडियो इन टू पार्ट्स, दैट इज द गुड थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट इट एंड द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक और इट कुड हैव बीन बेटर। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिमर, मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत सारे हेड्स आते हैं, क्लिपर हेड्स मैं कहता हूँ, आई डोंट नो इफ इट हैज अ डिफरेंट नेम, पार्डन मी फॉर दैट। सो द मोस्ट कॉमनली यूज थिंग मैं जो यूज़ करता हूँ ये वाला है, दिस अ वेरी बेसिक वन। अगर आपको नॉर्मल आपको ट्रिमिंग करना है तो इट कैन डू द जॉब। सो उसके बाद ये वाला हेड भी आता है जिसमें आपको थोड़ा फाइन हेयर्स है तो उसको भी आप निकाल सकते हो अपने चेहरे से। एंड देन देयर कम्स दिस स्मॉल स्मॉल लिटिल हेड। अब इससे आपका क्या होता है, वेरी सिंपल। अगर आप टू बी ऑनेस्ट यू कैन यूज़ इट फॉर योर नोज हेयर्स, या फिर आई एम नॉट प्रिटी श्योर कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हो, बट आई हैव नॉट यूज दिस पर्सनली। दिस टू क्लिपर्स आर द हेड्स आर द थिंग्स दैट आई हैव नॉट यूज्ड, पहला तो ये। एंड सेकेंड थिंग इज दिस वन, दिस इज एक्चुअली पर्टिकुलरली फॉर योर नोज। इसको आप चला के नो यू कैन पुट दिस इनटू दिस एंड इसको आप चला सकते हैं। दिस इज द अनदर वन, अगर आप ट्रिमर यूज करते हो अपने बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए, देन दिस इज अ हेड दैट यू कैन यूज एक्चुअली फॉर रिमूविंग योर बॉडी हेयर्स। व्हाट इज, यहाँ पे आपका एक प्लास्टिक प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि आपका नो व्हेन यू आर यूजिंग इट ऑन योर चेस्ट और समवेयर ऑन योर बॉडी इट डजंट एक्चुअली हार्म योर स्किन। सो इसको ओपन करने के लिए वेरी सिंपल टेक्निक है, यू जस्ट होल्ड इट एंड यू हैव टू प्रेस द हेड लाइक दिस एंड इट विल ओपन अप, वेरी सिंपल। अब इसको ओपन करना, क्लीन करना इसका अंदर बहुत ही सिंपल है, बट हाँ पानी नहीं लगा सकते। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, इन दिस पोर्ट्स आपको जो फाइन हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो इससे यू नो इट गेट्स कट ऑफ एंड यू कैन नॉट डू द सेम थिंग विद दिस क्लिपर। मैंने ट्राई आउट किया था बट उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। सो डिफरेंट क्लिपर्स हैव डिफरेंट पर्पसेस। दिस टू अगर कोई यूज़ किया है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई हैव नॉट यूज्ड। अनदर गुड थिंग इज दैट इसके साथ ये एडजस्टमेंट क्लिपर्स भी आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मिनिमम इज 3 mm, उसके बाद है 9 mm एंड देन दिस 12 mm। ये जो तीन क्लिपर्स है एक्चुअली, ये तीन क्लिपर्स सिर्फ इन दोनों हेड्स में ही लगेंगे, बाकी किसी में लगने के लिए बने नहीं है। सो हाउ टू यूज़ दिस, वेरी सिंपल। यू जस्ट यहाँ पे मार्किंग्स दिया हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दिस एंड जस्ट प्रेस इट फ्रॉम डाउन। और निकालने के लिए यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ो, put pressure here and then pull this up, बस निकल जाएगा, very simple। But these are the good things that I like, but few things that I don't like about this, क्योंकि देखो अगर आप इसको use करते हो, you are using for beard वगैरह वगैरह, it will do your job perfectly fine। The first important thing जो मुझे अच्छा नहीं लगता है is that this trimmer by default does not have a dial जहाँ से मैं 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm अपने choice से कर पाऊँ। It only has 3 clippers, without using this is 0 mm, then you have 3 mm, 9 mm and 12 mm। अगर आपको चाहिए बीच का 6 mm का कुछ आपको करना है, शेप करना है, then you will have no option with this trimmer। Now that is a bad, really really a bad thing I find in this trimmer। I am not sure actually कि अलग से clippers मिलते हैं कि नहीं। If I find it out on the internet, on any website, then I will list it down। अगर आप में से किसी को पता है ऐसे clippers बाहर मिलते हैं, aftermarket clippers, so please do let me know in the comments। second thing is that iska jo head hai, this heads actually, this three actually sare steel ke bane hue hai। so what happens is that suppose you are using this clipper to actually cut your beard, so if I can show you is that ki steel ka bana hai, so whenever you are cutting your beard halka sa bhi moisture hota hai, not 100% dry, you are understanding right, chamre ke sath atak jata hai, it feels difficult to move the trimmer up and down। तो वो एक बहुत डिफिकल्टी लगता है मेरे को कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आई पुट दिस ट्रिमर ऑन एन एंगल एंड इट डज द जॉब परफेक्टली फाइन। नाउ एक और चीज़ है, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है, व्हेन आई एम यूजिंग इट फॉर मोर देन 2 मिनट्स 3 मिनट्स ये बहुत गर्म हो जाता है एंड
इतना ही गर्म हो जाता है दैट यू कैन नॉट एक्चुअली प्लेस इट ऑन योर स्किन. इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल. सो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ. बैटरी लाइफ इसमें अगर आप फुल चार्ज देते हो, फुल चार्ज करने में 7-8 घंटा लग जाता है ऐसा लिखा हुआ है इन द मैनुअल प्रोबेबली, बट देर इज़ नो इंडिकेटर बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें फुल चार्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि ओनली वर चार्ज पुटिंग इट ऑन चार्ज. यहाँ पे एक इंडिकेटर है रेड कलर का, वो रेड ही रहता है और जब तक चार्ज दोगे, जब तक प्लग इन रहेगा तब तक रेड रहेगा. सो इट डजेंट हैव एन इंडिकेटर टू शो यू इट इज़ फुल्ली चार्ज और नॉट, बट अगर आप 7 घंटा चार्ज करते हो तो होपफुली फुल्ली चार्ज हो जाना चाहिए. तो उसके बाद ये अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो 20 मिनट ऑन एन एवरेज चलता है. बिकॉज मैं 2 बार शेव मतलब यू नो ट्रिम कर पाता हूँ, एंड इफ आई कैलकुलेट 1 बार ट्रिम करने को मेरा 10 मिनट के आसपास लग जाता है. सो ओवर ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स का बैटरी बैकअप है. नाउ दीज आर द थिंग्स. इट इज़ ईजी टू क्लीन, नॉट वाटर प्रूफ. मतलब पानी अगर चला जाता है तो देन इट कैन कॉज मल्टीपल इशूज यू नो, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट इट, एंड दीज आर प्रीटी मच गुड रीजन्स वाई यू शुड नॉट बाई दिस नोवा ट्रिमर. बाकी अगर आपको और कुछ जाना है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई प्रोबेबली कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट पीपल हैड. या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू लेट मी नो लाइक वट टाइप ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट टू सी मोर फ्रॉम मी एक्चुअली. एंड यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. एंड टिल दैट आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल चैनल अनरैप्ड जिंदगी. थैंक यू.